नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 52 इयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। अब इनके हाथ पर क्या क्या उतार चढ़ाव है और क्या क्या स्ट्रगल किया और आगे जीवन कैसा रहेगा उसे देखने की कोशिश करते हैं। इन पर एक बार हमला भी हुआ है तलवार से, तो वो भी संकेत इनके हाथ में दिख रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा स्पष्टता के साथ। और जो जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं जीवन में और समृद्धि आई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ से स्क्वायरिश कम, यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं। ये पाम चौड़ा भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं और साथ में मेहनती भी होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है, तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे और कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। जुपिटर की उंगली थोड़ी सी बड़ी है तो हल्का सा ईगो प्रॉब्लम रहता होगा इनको, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं भूत पर्वत पर हो तो बुढ़ापे में भी बहुत अच्छी व्यक्ति इनकम करता है। दो चार भाषाओं के ज्ञानी होते हैं, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। और इस पार्ट में उभार हो तो नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा भी काम करे तो व्यक्ति को मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन है काफ़ी अच्छी, व्यक्ति को यश अच्छा खासा प्राप्त होता है। स्क्वायर साइन है तो ये व्यक्ति को इंटरनेशनल काम करवाता है और ये इंपोर्ट करते ही है सामान कई देशों से, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते हैं और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन भी है इनके हाथ में। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक साइन यहां पर है, काफी उत्तम साइन है इनके हाथ में। एक छोटी सी साइन यहां पर भी है, ये साइन है इनके हाथ में। यहाँ पर विद्या रेखा है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। जुपिटर शैटर्न माउंट यानी शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, व्यक्ति एक्टिव रहता है जब आपका शनि पर्वत और मेहनती होता है। जुपिटर माउंट अति उत्तम है, ये व्यक्ति को खाने का शौकीन बनाता है, स्टेटस अच्छा मिलता है जीवन में, थोड़ा सा शरीर में वजन भी रहता है और इनको सुनाने की आदत होती है, सुनने की आदत नहीं होती, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। और खाना और खिलाना और खाना, ये दोनों शौक ये लोग रखते हैं इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो। और एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन,
चार लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल पर थोड़ी सी रेखा है, ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है। और अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी है, कोर्ट केस हो तो ऐसे लोगों को विजय भी प्राप्त होता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान होता है, झूठ पसंद नहीं आता। और ये ट्रायंगल, ये जब किसी व्यक्ति के हाथ में हो, और ऐसे ट्रायंगल कई जगह पर है, ये व्यक्ति को कवि बनाते या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाते। और इनका विदेश में कारोबार है ही है। और चंद्र पर्वत अपने आप में उभार है। इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीजें करने का शौक होता है। और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, वैल्यू फॉर मनी बाइंग करने वाले, बार्गेनर भी होते हैं। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है तो अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारे शौक, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारे शौक व्यक्ति को शुक्र पर्वत से मिलता है। कभी ना कभी शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह के संकेत दिख रहे। हृदय रेखा में 2 फोर्क है, जब इस तरह का फोर्क हो तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है सामने वाले को। और ये हल्की सी मुड़ कर ऐसे चल रही, तो जवानी के दिनों में थोड़ा गुस्सा रहता होगा इनको, उसके बाद शांत हुआ होगा। और ये हृदय रेखा सीधी यहाँ तक चल रही है, इस तरह की हृदय रेखा हो तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते ये लोग, प्लस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनको पसंद नहीं आता, ये इनकी खासियत होती है। हृदय रेखा डार्क है तो झंझटों भरा जीवन रहता है। अगर कहीं घूमने भी जाए तो शरीर केवल जाता है, मन कहीं और रहता है, यानी कोई ना कोई झंझटें व्यक्ति के जीवन में चालू रहती है, आपाधापी वाला जीवन, पर्सनल लाइफ इतना उत्तम जी नहीं पाते। माइंड लाइन देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित यहाँ से चल रही है और ये सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। तो इतनी सीधी माइंड लाइन हो तो 10 मिनट भी सीधा खड़े नहीं रह पाते बिना हिले डुले। जैसे परिवार के साथ शॉपिंग में गए तो वहाँ बैठने की जगह होती नहीं, पहले की दुकानों में तो जगह होती थी, टेबल स्पेस मिल जाता था या गद्दियाँ होती थी, अब तो मॉल बन गए तो खड़े रहना पड़ता है। जब ये खड़े रहते बिना हिले डुले तो कमर में पीछे की तरफ दर्द होता है, बिना सपोर्ट के बैठने मिला तो भी दर्द होगा, और जैसे ही सपोर्ट मिल गया या चलने मिल गया तो वो फिर दर्द गायब हो जाता है थोड़ी देर में। निरीक्षण शक्ति इनकी पावरफुल होती है, रात को ज्ञान लिए बिना नींद नहीं आती, कोई ना कोई ज्ञान लेकर फिर ही नींद आएगी। और निरीक्षण शक्ति बहुत पावरफुल होती है। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एज 33 के आसपास इस लाइन ने शादी कराई इनके जीवन में, फिर 38 में एक छोटी सी राहु रेखा आई होगी, 37 के आसपास, फिर 40 में भी कोई तकलीफ आई होगी इनको जीवन में। एक डॉट यहाँ पर भी दिख रहा है, मैंने इनसे पूछने की कोशिश की, यहाँ पर कुछ हुआ था तो इन्होंने जानकारी दी कुछ नहीं हुआ, पर जब सीधा फोटो ले रहा हो तो उसमें नहीं आ रहा ये। उसके बाद ये देखिए ये डॉट, ये एज ऑफ 42 में यहाँ पर क्लियर कट डॉट है,
यहाँ पर इन पर हमला हुआ, चोर लोगों ने इन पर हमला किया और इनको वार का निशान भी है शरीर पर, ऐसा इनका कहना है। और ये देखिए बिना इंक वाले फोटो में और स्पष्टता से दिखाता हूँ। ये देखिए क्लियर कट डॉट। अब इसका क्लोजअप है, उस पर ले चलता हूँ। और एक डॉट यहाँ पर भी था, मैंने ये भी पूछने की कोशिश की क्या 40 में भी कुछ हुआ था, तो इनका प्रॉपर जवाब नहीं मिला। ये देखिए एक डॉट यहाँ पर भी था पर इसका प्रॉपर जवाब नहीं मिला, पर यहाँ पर जरूर जवाब मिला इस जगह पर। ये 42 में इन पर हमला हुआ था। ये डॉट हो तो कोई ना कोई शस्त्रक्रिया या एक्सीडेंट या इस तरह का हमला, एक तरह का ऑपरेशन ही हुआ ना, किसी ने हमला किया, स्टिच तो लेने ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद 3 साल कोई ना कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी रही होगी इनके जीवन में, क्योंकि डबल जीवन रेखा चल रही थी। फिर उसके बाद 47 में एक ऑफशूट था, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी आई होगी इनके जीवन में। 47 के बाद 49, फिर 51 और 52, ये 3 छोटी छोटी राहु रेखाएं थी जो इनको परेशान किए होगी, अभी की थोड़ी सी बड़ी है। और इसके बाद और ऑफशूट है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी के भी योग बन सकते हैं, और एक यात्रा रेखा भी है, तो कोई यात्रा पर भी ये जा सकते हैं। उसके बाद 54.5 में एक राहु रेखा आएगी, और 58.5 तक बहुत सारी छोटी छोटी राहु रेखाएं काटेगी। ये स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाए या मछलियां जो होती है फिश, उनको फीड करें डेली, तो ये राहु रेखाओं का असर कम होगा इनको। और एक 61 में एक छोटी सी राहु रेखा है बस, उसके बाद कोई खास राहु रेखा है दिख नहीं रही है। यात्रा रेखा भरपूर है, तो यात्राएं भरपूर होगी। ये जब इस तरह का शेप बने तो ये एज ऑफ 22 के आसपास व्यक्ति को परिवार में बड़ा आर्थिक नुकसान गया होगा पिता साइड के लोगों से। धन रेखा पर देखें तो एक 27 के आसपास कोई खर्चा आया होगा, एक 33 में कोई एक्सपेंस गया होगा इनके जीवन में, एक 39 में बड़ा लॉस गया होगा इनको। उसके बाद यहां से लेकर 52 से लेकर ये 3 या 4 साल से इनको छोटे छोटे बड़े कट भरपूर चले, तो आर्थिक नुकसान भी इनको गया होगा। बीच बीच में आर्थिक नुकसान का भी सामना किया होगा अप टू 52 तक। अगर ये लाइन एक्टिव होगी तो ये नुकसान यहां पर 55 तक देगी, ये लाइन, अगर ये लाइन एक्टिव रही तो। कई लोगों के हाथ में ये लाइन एक्टिव नहीं रहती। एक छोटा सा नुकसान एज ऑफ 60 के आसपास जाएगा, 59 के आसपास, मामूली, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। और एक 61 के आसपास ये जो नया काम चालू होगा उसमें जाएगा। ये फेट लाइन का है। अब इनके जो धन रेखा के उतार चढ़ाव हमने
निरीक्षण करते हैं। ऐसी कोई दमदार रेखा नहीं थी पहले भी, पर साइनें अच्छी है तो पैसा तो कमाए होंगे। यहाँ पर ऑन ऑफ रहा होगा 36 से लेकर 39 तक बिजनेस, बीच में चला होगा, फिर थोड़ा सा स्लो पड़ा होगा, फिर 39 के आसपास बहुत बड़ा कट लगा तो बड़ा आर्थिक नुकसान गया होगा। उसके बाद का समय इन पर लोन भी चढ़ी होगी, ये 3 साल का जो समय गया होगा अप टू 43 तक, 42 या 43 तक इन पर लोन भी चढ़ी होगी और प्रोग्रेस भी नहीं कम मिली होगी। उसके बाद ये जो लाइन है ये ऑन ऑफ होकर चल रही है, यानी साल भर सवा साल अच्छा चला, फिर वापस 6 महीना स्लो, फिर अच्छा चला, इस तरह से चल रही होगी। फिर एक बढ़िया लाइन 45 के आसपास से चालू हुई या 44 के आसपास से, और 2-2.5 साल के बाद उसमें बहुत अच्छी स्ट्रांगनेस आई, ये 57 तक रहेगी, 57 से 58 स्लो हो जाएगी, 1 साल गैप पड़ेगा, यानी अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा, और फिर वापस ग्रोथ चालू। फिर एक और नया काम चालू होगा 60 के आसपास, उस पर 61 पर थोड़ा सा लॉस जाएगा, और अप टू मरने तक चल रही है। एक लाइन 47 के आसपास इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उस पर इन्वेस्टमेंट किया होगा इन्होंने, एज ऑफ 52 के आसपास करेंगे, और उसके बाद ये आगे चलकर 53 के आसपास से स्ट्रांग चलेगी अप टू 63-64 तक। एक और नया काम चालू करेंगे 55 के आसपास, वो भी अच्छा खासा ग्रोथ देगा, ये भी इन्वेस्टमेंट वाला होगा। एक और नया काम चालू होगा 63 के आसपास, वो भी अच्छा खासा ग्रोथ देगा। तो आगे ओवरऑल देखा जाए तो जो पहले कमाए उससे बुढ़ापे में ज़्यादा इनकम ये करने वाले इंसान बनने वाले, क्योंकि सारी फेट लाइनें एक को छोड़कर सारी फेट लाइनें स्ट्रांग बनती जा रही है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे स्ट्रांगनेस आएगी, इनकम के ग्रोथ काफ़ी बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मुझे एक और साइन नज़र आई, ये छोटी सी फिश साइन, तो मैंने इनको 49 के आसपास कोई 2-2.5 साल का कोई सरकारी ओहदा मिला था क्या, तो इन्होंने कहा यस मिला था, और ये पॉलिटिकल कैरियर भी बनाना चाह रहे थे, मैंने ना बोल दिया। आगे इस तरह का कोई ग्रोथ मुझे पॉलिटिकल दिख नहीं रहा है, वो 2-2.5 साल का एक स्टेज था, वो आपको मिल चुका, वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।